बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन इकरान, हम निकले हैं इस वक्त उत्थल लसबेला विंदर, इसका विज़िट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, सैलाबों ने पूरी तबाही मचा दी है, तो इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो आगे का चल के मैं इंशाल्लाह व्यू आपके साथ सारा शेयर करूँगा। अब मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये पेट्रोल पम्प बल्दिया टाउन पर हम खड़े हुए, तो बस दुआ करें आप हमारे लिए भी कि आगे भी अल्लाह पाक करके रास्ते क्लियर हों। क्योंकि जैसे सुनने में आ रहा है, मीडिया जैसे बता रहा है, सोशल मीडिया बता रहा है कि सड़कें वगैरह टूट गई हैं, सैलाब का मंजर पेश कर रही हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी पे अपना रहम करे, पाक परवरदगार। तो आगे चल के मैं सारा व्यू आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। इंशाल्लाह आगे का व्यू चल के मैं तो भी बस ये दूसरे जानब रास्ता है जो हब चौकी के ब्रिज है। तमाम मेरे बहनों भाइयों को, विवश को मेरे पता होगा कि वो तकरीबन डैमेज हो गई है, टूट गई है। तो अब ये दूसरा इन्होंने रास्ता निकाला है, तकरीबन को 2 साल पहले इसकी ओपनिंग हुई थी बाईपास के नाम से। तो अब बलूचिस्तान की तमाम जो ट्रैफिक है यहीं से जा रही है। इसके अदर साइड पे आप देखें, माशाल्लाह खूबसूरत बगीचे बने हुए हैं, खूबसूरत व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है। अदर साइड पे ये देखें, ये कुछ ट्रकें वगैरह ट्रांसपोर्ट, जितनी हैवी ट्रांसपोर्ट है यहीं से जा रही है, चाहे वो हैवी ट्रांसपोर्ट है या छोटी ट्रांसपोर्ट है, वो यहीं से जा रही है। तो इसके वजह से जो शाम के टाइम पर और सुबह के टाइम पर ट्रैफिक जो है काफ़ी यहाँ पर जाम हो जाता है। तो कोशिश आप लोग करें कि दरमियाना टाइम, जैसे 12-1 बजे का टाइम है, तो उस वक्त जो है ट्रैफिक जो है नॉर्मली होती है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे आपको मैं व्यू दिखाता रहूँगा। आज का हमारा प्रोग्राम ये है, जो घर वगैरह डैमेज हुए हैं वहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन मैं एक व्लॉग बना के विंदर के शहर में उसका मैं एंड करूँगा। तो आगे जैसे हम जाएँगे ड्राम के एरिए में, दूसरे एरिए में हम जाएँगे, जो घर डैमेज हुए हैं वो तमाम जगहें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जगह भी इन्होंने मतलब ठीक बनाई हुई है, ट्रैफिक काफ़ी यहाँ पे जो है, यहाँ पर ट्रैफिक रवा दवा है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, काफ़ी बारिशें हुई हैं। तो व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, सामने कुछ झुपड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। तो आगे चल के ये अदर साइड पे मैं दिखाएँ कि माशाल्लाह देखें, घास वगैरह झाड़ जो है कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कि लॉस भी काफ़ी हुआ है। तो माली लॉस का तो अल्लाह पाक पूरा कर देगा, लेकिन जो जानी माल जानी जो लॉस हुआ है उसकी अल्लाह पाक भरपाई करे, पाक परवरदगार। तो ये रास्ता जो है ये तकरीबन 13 किलोमीटर दूर पड़ता है हबचो किसे, वो सीधा रास्ता जा रहा था, लेकिन ये रास्ता जो है वो तकरीबन 13 किलोमीटर। तो भी बस देखें, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक चल रही है यहाँ पर, छोटी ट्रैफिक भी चल रही है, लेकिन वो ब्रिज गिरने के वजह से काफ़ी ट्रैफिक का दबाव ये बाईपास पे ज़्यादा आ गया है। तो कोशिश करें आप लोग ज़रा एयरली निकलें, और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, पहाड़ों के बीच से इन्होंने बिल्कुल काट के ये बाईपास जो बनाया है, बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये कि यहाँ से ज़रा टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम 13 किलोमीटर जो है ये रास्ता तवील है। तो वहाँ से बिल्कुल शॉर्ट रास्ता था, लेकिन वो अब फ़िलहाल तो रास्ता यूज़ में नहीं है। जब वो ब्रिज बनेगी तो उसके बाद ही वो, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी साल लग जाएंगे। तो आगे चल के इंशाल्लाह ये देखें, ये माउंटेन बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं, कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। जैसे बारिश हुई है तो पूरी माशाल्लाह ये काफ़ी हरियाली है। तो अब आगे जाके जहाँ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगा, तो आपको तमाम चीज़ें रास्ते में मैं बताता रहूँगा।
ये देखें ट्रैफिक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, पहाड़ों के बीच से ऐसे लगता है कि हम गिलगित, कागान, नारायण उस तरफ से हम गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह पाक बेहतरी करे, सफ़र सबका खैर व आफरीत से अपने मंजिल मखसूस को पहुँचे, पाक परवरदगार सबको पहुँचाए। ये देखें माउंटेन, देखें कुछ घर वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, तो हवा भी काफ़ी चल रही है। अगर मेरा आवाज़ आप लोग तक प्रॉपर ना पहुँचे तो मैं माजरत खाऊँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत व्यू, देखें ऊपर नीचे पहाड़ों के नीचे घर बने हुए हैं, कुछ ये फैक्ट्रियाँ वगैरह बनी हुई हैं। तो आगे चल के प्रॉपर इंशाल्लाह पर मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो व्यूस जैसे जैसे रास्ता हम तय करते जा रहे हैं तो जितने बेहतरीन व्यू या जो फेमस जगहें वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। ये इस साइड पे मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको, कुछ बागात वगैरह नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, बेहतरीन व्यू नज़र आ रहा है। और जगह जगह से ज़मीन जो है वो टूट फूट का शिकार है। और ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊं, एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है डीजे। तो ये बलूचिस्तान का एरिया पड़ता है बागड़। तो मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि ये कराची से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पंजाब के लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, केपीपी पे कर रहे हैं, अंदरूनी सिंध के लोग भी काम कर रहे हैं। और इन्होंने तकरीबन पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम अपना बनाया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस की, पानी की तकलीफ सप्लाई। ये देखें, ये दिखा सके आपको ये सामने, और मैन जो इनका वो ज़रा आगे चल के पड़ता है। लेकिन ये सबसे हमारे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी है लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री जो पड़ती है वो जर्मनी के अंदर पड़ती है, और जो सेकंड बिगेस्ट ये है पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है ये। और तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी भी ये इनकी अपनी है, एक मिनट के लिए भी अगर अल्लाह ना करे कोई फॉल्ट वगैरह अगर ना हो तो तकरीबन 2400 घंटे इनकी बिजली की फराहमी चलती है। अगर एक मिनट के लिए भी अगर ये बंद हो जाती है तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है इनके लिए। तो इनके लिए कोशिश इनकी यही होती है, इंजीनियर 2400 घंटे इनके लगे होते हैं कि किसी टाइम पे ये बंद ना हो। लेकिन इत्तफाक है, हो जाता है ऐसे कि अगर अल्लाह ना करे कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है। तो मैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं निकला किस लिए था, फ्लड वगैरह आपको दिखाने के लिए। लेकिन ये कि रास्ता काफ़ी तवील है, तो जैसे भी रास्ते में व्यू आ रहे हैं या कोई फेमस जगह आ रही है तो वो व्यू भी मैं आपको दिखा दूँ, ताकि आपके माइंड में हो, अगर आपका आना होता है इस तरफ तो पता आपको साथ साथ चल जाए कि कौन सी रास्ते यहाँ पर आ रही हैं। ये कुछ गायें वगैरह देखें, ये रोड क्रॉस कर रही हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो जैसे मवेशी वगैरह इनके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया के अंदर तो कुछ लॉस वगैरह कुछ कम हुआ है, लेकिन आके काफ़ी लॉस हुआ है, तो वो चल के भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तकरीबन ये 50 किलोमीटर तो हमने तय कर लिया है, तो अब 35 किलोमीटर आई थिंक इस मोर। तो बस इस वक्त मैं खड़ा हूँ बलूचिस्तान के अंदर, एक जगह है लक इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़रा आप एहतियात करें, क्योंकि जहाँ पर अगर स्लो लिखा हुआ है तो वहाँ से आप अपने ड्राइव ज़रा स्लो करें।
और ये जगह जगह से देखें ये ज़रा कट गए, उन्होंने यहाँ से तो फुटबारी लगाई हुई है। जितना आप एहतियात के साथ ड्राइव करेंगे इतना आप लोग के साथ, इतना आप लोग के लिए बेहतर होगा। और ये लक वगैरह जो है ये काफ़ी डेंजर है वहाँ से, जितनी क्योंकि वहाँ से जब एक तरफ से आप आते हैं तो दूसरी तरफ की गाड़ी आपको नज़र नहीं आती है, तो मतलब बिल्कुल गाड़ी जब आपके ऊपर आ जाएगी तब आपको पता चलता है कि जी यहाँ पर कोई ट्रैफिक वगैरह आ रही है, तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक भी आ रही है। और जब लग के जब चढ़ाई के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो स्पीड आप जितनी स्लो कर रहे हैं और जितनी वेट करें और वहाँ से हॉर्न वगैरह आप ज़रूर दें, तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफाजत में रखे। ज़रा सी गफलत की वजह से बहुत लॉस से इंसान बच सकता है, बहुत सी तकलीफों से बच सकता है, तो ये ज़रा आप एहतियात करें। इसलिए करके मैं आगे भी चल के उसके लक का आपको व्यू